You are watching We Hours News and I Tours Truth. तुम से ये उम्मीद कतई नहीं थी, कहाँ से मुँह काला करा के आई हो बेगम, बोलो। आप ही के तो है। उल्लू समझा है, एक की भी शक्ल नहीं मिलती है मुझसे। बिगर सॉफ्टर बेटर। क्या आप वीडियो के बीच में बार बार आए एड से परेशान हो गए? अगर जवाब हाँ है तो जरा सोचिए, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में एक वीडियो बनाकर अपलोड किया लेकिन वीडियो के बीच में विज्ञापन दिखाया जा रहा हो या फिर उसके जगह पर सिर्फ विज्ञापन ही चले तो आप कैसा महसूस करेंगे? दरअसल व्हाट्सएप के स्टेटस में अब विज्ञापन दिखाने की तैयारी की जा रही है जिसके जरिए सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक अपनी कमाई में बढ़ोतरी करने के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में आपके व्हाट्सएप एप्लीकेशन पर अच्छे अच्छे फीचर्स दिखने को मिल सकते हैं। मोबाइल मैसेजिंग सर्विस के उपाध्यक्ष क्रिस डैनियल ने बताया कि कंपनी अपने स्टेटस फीचर में विज्ञापन डालने जा रही है। यह कंपनी के लिए कमाई का प्राथमिक जरिया होगा, साथ ही एक बिजनेस को लोगों तक पहुँचाने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन कंपनी ऐसा कब से शुरू करने जा रही है इसकी जानकारी डैनियल ने नहीं दी। हालांकि इस तरह की बातें पहले भी सामने आई थी और दुर्भाग्य से सोशल मीडिया मैसेजिंग सर्विस के कई सह संस्थापक कंपनी से उस वक्त अलग हो गए थे जब फेसबुक के मुख्य फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने व्हाट्सएप विज्ञापन से कमाई करने की बातें अपने सहयोगियों के सामने रखी थी। आपको बता दें व्हाट्सएप के दुनिया भर में 150 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें 25 करोड़ से ज्यादा यूजर्स भारत में ही हैं। व्हाट्सएप के स्टेटस फीचर में यूजर्स को टेक्स्ट, फोटो, वीडियो और एनिमेटेड GIF शेयर करने की सुविधा दी जाती है जो 24 घंटे बाद अपने आप गायब हो जाता है। और अगर जकरबर्ग और उनकी टीम ऐसा करने में सफल हो गए तो व्हाट्सएप के विज्ञापन के जरिए कंपनी को करोड़ों का फायदा सिर्फ भारत से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी आवर्स न्यूज़।